ऑल माई डियर चिल्ड्रेंस, टुडेस टॉपिक नाउंस नंबर। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट था, थोड़ा सा ये देखिए दीमक ने खा लिया है, लेकिन मैं पढ़ाती हूँ इसको। नाउंस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। नाउन सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। जो हमारा सिंगुलर नंबर है बच्चों, वो हमें बताता है एक पर्सन या एक व्यक्ति या एक सामान के बारे में, एक चीज़ के बारे में। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स, आंट, बॉय, एप्पल, ग्लास, एसेट्रा। देखिए यहाँ पर एक चींटी के बारे में बात हो रही है, एक लड़की के बारे में बात हो रही है, एक शेप के बारे में बात हो रही है और एक ग्लास के बारे में बात हो रही है। प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। प्लूरल नंबर हमारा जो होता है वो बताता है एक से ज़्यादा लोगों के बारे में, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताता है, दर्शाता है। एग्जाम्पल्स, आंट्स, बॉयज, एप्पल्स, ग्लासेस, एसेट्रा। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चींटियों के बारे में बात हो रही है। बॉयज़ मतलब बहुत सारे बच्चे हो गए, लड़के हो गए। एप्पल्स बहुत सारे एप्पल्स हो गए, बहुत सारे कांच हो गए। काउंटेबल नाउन, नाउन्स दैट नेम्स द थिंग्स वी कैन काउंट आर काउंटेबल कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। संज्ञा जो चीज़ों को नाम देती है, वी कैन काउंट, उनको हम काउंट करते हैं, वो कहलाती हैं हमारी काउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल्स, वन बॉय, फोर बॉय, फोर बॉयज। एक बॉय को, एक लड़के को हम गिन सकते हैं, वन टू थ्री फोर, फोर को भी हम गिन सकते हैं, वो हमारी कहलाती है काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन्स दैट नेम द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। संज्ञाएं जो उन चीज़ों को नाम देती है जो कर नहीं सकती हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं या वो कहलाती हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल्स, मिल्क, मिल्क को बच्चे हम नहीं काउंट कर सकते, शुगर, शुगर को भी हम नहीं काउंट कर सकते, कॉफ़ी को भी नहीं कर सकते, एसेट्रा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।